डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग चलते हैं क्लास 10th के लिए सब्जेक्ट साइंस को पढ़ाना शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है, हम लोग अभी क्लास 10th के लिए जो साइंस में पढ़ रहे हैं वो NCERT बुक से एक बायोलॉजी के सेक्शन को, बायोलॉजी के चैप्टर को पढ़ना शुरू किए हैं, जिसका नाम है जैव प्रक्रम, लाइफ प्रोसेस। ठीक है, तो इस लाइफ प्रोसेस में का बात करें तो हम लोगों ने मनुष्य पोषण कैसे करते हैं, मनुष्य अपना भोजन कैसे बनाते हैं, इस पूरे टॉपिक्स पे हम लोग बात किए। फिर श्वसन के बारे में बात किए कि आखिर मनुष्य अपना श्वसन की क्रिया कैसे करते हैं, और आपको पता होना चाहिए कि श्वसन के दौरान किन किन बातों का ख्याल रखता है। सबसे पहले वायु कहाँ जाता है, वह वायु का क्या होता है, और वह कैसे पूरे शरीर के भागों तक पहुँचता है, और उससे ऑक्सीजन कैसे प्राप्त होता है, और हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड कैसे छोड़ते हैं, इसके बारे में हम लोग श्वसन के बारे में डिस्कस किया है। चलिए अब हम लोग आ गए हैं उस मुकाम तक जो NCERT के बीच में जो क्वेश्चंस होते हैं उन क्वेश्चंस को करने के लिए। तो श्वसन टॉपिक्स को पढ़ने के बाद हम लोग NCERT के प्रश्न में आ गए हैं, जो NCERT के बुक में बीच में जो प्रश्न दिया हुआ रहता है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन लिखा जाए, श्वसन के लिए प्राप्त ऑक्सीजन, श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में, यह क्वेश्चन है, श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में एक जलीय जीव के अपेक्षा, एक जलीय जीव के अपेक्षा स्थलीय जीव, स्थलीय का मतलब समझते हैं जो भूमि पर रहता है, ठीक है, जो जल में रहता है जलीय जीव कहा जाता है, जो स्थल पर रहता है उसको स्थलीय जीव कहा जाता है, ठीक है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो हम लोग यहाँ पे ये सब समझ पा रहे हैं कि श्वसन के लिए जो ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है, तो आपको पता होना चाहिए कि एक जलीय जीव भी ऑक्सीजन प्राप्त करता है, लेकिन वो जल से करता है, और स्थलीय जीव के बारे में भी हम लोग तो स्थलीय जीव है ना, स्थल पर रहते हैं। तो सवाल पूरा नहीं हुआ है, लिखा जाए फिर से, क्वेश्चन मिलाया जाए, श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में एक जलीय जीव के अपेक्षा, एक जलीय जीव के अपेक्षा स्थलीय जीव किस प्रकार लाभप्रद है। ठीक है, तो सवाल पूरा कंप्लीटली समझ जाइए कि आपको पता होना चाहिए कि श्वसन का मतलब होता है सांस लेना, श्वसन मतलब सांस लेना, और ये सांस लेने की जो प्रक्रिया होती है दोस्तों, एक जलीय जीव भी सांस लेते हैं जो जल में रहते हैं, और जो स्थलीय जीव होते हैं जैसे जानवर कहाँ रहते हैं, स्थल पर रहते हैं, मानव ये स्थल पर रहते हैं, तो जलीय जीव को भी ऑक्सीजन की आवश्यकता है और स्थलीय जीव भी को भी ऑक्सीजन आवश्यकता है, लेकिन जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव को ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, ज़्यादा लाभप्रद है, ये क्यों है, जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव का जो श्वसन है उसमें ऑक्सीजन का महत्व, या आप बोल सकते हैं कि इसके अपेक्षा इसका जो है ज़्यादा ऑक्सीजन का लाभप्रद है, क्यों है, क्या कारण हो सकता है, यानी कि सवाल बोल रहे हैं कि एक जलीय जीव को भी ऑक्सीजन का आवश्यकता है, स्थलीय जीव को भी ऑक्सीजन का आवश्यकता है, लेकिन दोस्तों सबसे ज़्यादा ज़रूरी है स्थलीय जीव को, तो वो क्यों, चलिए इसका आंसर लिखते हैं। उत्तर, जलीय जीव जल में घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग, उत्तर में लिखेंगे जलीय जीव जल में घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग श्वसन के लिए करते हैं पूर्ण विराम
जल जल में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा, जल में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा वायु के उपस्थित वायु में उपस्थित वायु में उपस्थित ऑक्सीजन की तुलना में, ऑक्सीजन की तुलना में बहुत बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। चलिए, पहला जो क्वेश्चन बोल रहा था कि श्वसन के लिए जो एक जलीय जीव की अपेक्षा एक स्थलीय जीव का अधिक लाभप्रद है। देखिए, स्थलीय जीव का मतलब हम लोग किसको बोलते हैं, जैसा कि अभी बताएं आप लोगों को कि स्थलीय जीव का मतलब होता है स्थल पे रहने वाला है, धरती पे रहने वाला, और जलीय जीव का मतलब जल में रहने वाला। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए स्थलीय जीव जो अपना ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं, ये ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त करते हैं भाई? तो ये ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं वायु से। ठीक है, ये वायु से, यानी कि वायु में जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है उससे ये स्थलीय जीव अपना ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। लेकिन ये जलीय जीव जो है ऑक्सीजन जो प्राप्त करते हैं वो जल से प्राप्त करते हैं, यानी कि जल में ऑक्सीजन की मात्रा होती है। आपको पता होना चाहिए जल का फार्मूला क्या होता है, H2O होता है ना भाई? तो जल में H2O है, इसका मतलब इसमें भी ऑक्सीजन की मात्रा है, अतः जलीय जीव हमेशा जल में उपस्थित ऑक्सीजन गैस का उपयोग करते हैं। और आपको पता होना चाहिए ऑक्सीजन गैस की मात्रा कहाँ ज़्यादा होगा, वायु में ज़्यादा होगा या जल में ज़्यादा होगा? तो आपको पता चल रहा होगा वायु में जो है ज़्यादा हो जाता है ऑक्सीजन की मात्रा जल के अपेक्षा। ठीक है, तो यही मेरे हम लोगों को आंसर होगा कि जो जलीय जीव है श्वसन करने के लिए ऑक्सीजन गैस का उपयोग करते हैं। और हम लोग ये भी लिखे हैं कि वायु में उपस्थित ऑक्सीजन की मात्रा, या सॉरी, जल में उपस्थित ऑक्सीजन की मात्रा वायु में उपस्थित ऑक्सीजन की मात्रा से क्या होता है, ये कम होता है और वायु वाला ज़्यादा होता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 2 वाले क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन लिखा जाए। ग्लूकोज 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 में ऑक्सीजन से ग्लूकोज में ऑक्सीजन से भिन्न जीवों में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए विभिन्न पथ क्या है, चलिए यहाँ पे बोला जा रहा है दूसरा क्वेश्चन में कि ग्लूकोज में जो पाए जाने वाले ऑक्सीजन होती है, ठीक है, वो अलग अलग जीवों के लिए वह ऊर्जा कैसे प्रदान करती है, उसके लिए क्या रास्ता होगा। आपको हम थोड़ा सा समझाएंगे, क्योंकि आपको हम एक चीज ये टॉपिक्स पढ़ाए भी थे कि सबसे पहले ग्लूकोज जो है ग्लूकोज में 6 कार्बन वाले अणु पाए जाते हैं, और ये कोशिका द्रव्य में क्रिया होती है, जो पायरुवेट के 3 कार्बन वाले अणु बनते हैं, और यहीं से पायरुवेट जो है 3 भाग में कैटेगराइज होता है। आपको वो लिखवाए भी थे, बताए भी थे कि एक पहला जो होता है वो ईस्ट में होता है, पहला कहाँ होता है, ईस्ट में। दूसरा जो होता है पेशीय कोशिका में होता है, दूसरा कहाँ होता है, पेशीय कोशिका। ठीक है, और तीसरा जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, तीसरा कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो तीसरा में हम लोगों का माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, दूसरा पेशीय कोशिका, और पहला ईस्ट में। जो ईस्ट में से में हम लोग ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं वहाँ पे ऑक्सीजन का क्या होता है, अनुपस्थिति होता है, और इसमें क्या लिखे हैं हम लोग कि ऑक्सीजन के अभाव होता है, ऑक्सीजन का वो माने ऑक्सीजन के अभाव। फिर
फिर क्या लिखे हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति, ठीक है। और आपको याद होना चाहिए कि पहला वाला जो मैं हम लोगों का क्रिया होता है उसमें इथेनॉल प्लस CO2, और वहाँ पे हम लोग ऊर्जा नहीं लिखे हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए यहाँ से ऊर्जा भी निकलता है। इसीलिए बोला जा रहा है सवाल में कि ग्लूकोज में जो ऑक्सीजन होता है उस ऑक्सीजन से हम लोग ऊर्जा अलग अलग जीवों के लिए कैसे प्राप्त करते हैं। तो उस वह जो ऊर्जा होता है उसमें अलग अलग जीवों के लिए अलग अलग ऊर्जा इसी प्रकार प्राप्त किया जाता है। ईस्ट में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कार्य करता है, पेशीय कोशिका में ऑक्सीजन के अभाव में कार्य करता है, जबकि ऑक्सीजन की उपस्थिति यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया में जो बनता है वो CO2 प्लस जल और तब जाकर ऊर्जा प्राप्त होता है। सब में मतलब ऊर्जा ऐड कर लेना है बस। इसमें हम लोग क्या बनाए थे प्रतिफल में, लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा, ठीक है। तो देख पा रहे होंगे, ध्यान से देखिएगा, तीनों का तीनों पार्ट में, एक ईस्ट में हो रहा है, एक पेशीय कोशिका, एक माइटोकॉन्ड्रिया। तो ईस्ट में जो हो रहा है इथेनॉल CO2 ऊर्जा, लैक्टिक अम्ल ऊर्जा, और माइटोकॉन्ड्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा। तो कुल मिलाकर सवाल हम लोगों को क्या बोल रहा था कि ग्लूकोज वाले में जो कार्बन होता है उस सॉरी ऑक्सीजन जो होता है उस ऑक्सीजन का उपयोग अलग अलग जीव भिन्न जीवों के लिए किस प्रकार होता है, आप उनके लिए क्या पथ होता है, पथ मतलब रास्ता, ठीक है। तो ये जो हम लोग पढ़े हुए हैं इसको जो है आप इसके उत्तर में लिख दीजिएगा, ठीक है, वही आपका आंसर हो जाएगा। ये जो हम लोग अभी बनाए हैं यहाँ पे यही वाला जो चीज़ है, बस आपको फ्रेश डायग्राम बना देना है, ठीक है, यही फ्रेश चीज़ डायग्राम बना देना है, और यहाँ से क्लियर हो जाएगा कि ग्लूकोज में प्राप्त उपस्थित ऑक्सीजन का उपयोग जो है अलग अलग जीव के लिए कैसे होता है। ईस्ट में कैसे होता है, पेशीय भित्ति में, पेशीय कोशिका में कैसे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में कैसे होता है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये हम लोगों का सबसे की पॉइंट है। यहाँ पे सभी चीज़ों को मिलाकर बताया गया है कि ग्लूकोज जो है अलग अलग जीवों में यानी कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कैसे काम करता है, ऑक्सीजन के अभाव में कैसे काम करता है, और ऑक्सीजन की उपस्थिति में कैसे काम करता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे और सब में ऊर्जा प्राप्त होता है। तो ये हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 2 है, और 2 का क्वेश्चन का यही आंसर सिंपल वे में आपको लिख देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहे हैं, लिखा जाए, मनुष्य में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का, मनुष्य में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है। परिवहन 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 का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना, यानी ऑक्सीजन एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे जाता है। तो सवाल बोल रहा था कि मनुष्य में जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है उसका परिवहन कैसे होता है, ठीक है। तो ये थर्ड नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर लिखा जाए कि कैसे होता है ऑक्सीजन का परिवहन, कैसे होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का परिवहन, कैसा होता है। लिखेंगे आंसर, जब हम श्वास अंदर लेते हैं तब जब हम श्वास अंदर लेते हैं तब हमारी पसलियां, पसलियां का मतलब समझते हैं ना, जो हमारे चेस्ट छाती के ऊपर वाले जो हड्डी होता है उसको पसली कहते हैं ना, लेते हैं तब हमारी पसलियां ऊपर उठ जाती है, हमारी पसलियां ऊपर उठ जाती है और डायफ्राम चपटा हो जाता है, और
डायफ्राम चपटा हो जाता है। तो इन बातों को हम लोग लिखे भी हुए थे, और डायफ्राम चपटा हो जाता है। पूर्ण विराम। अब रुधिर, रुधिर का मतलब खून, ब्लड। अब रुधिर सारे शरीर से, या पूरे शरीर से लिख सकते हैं, सारे शरीर या फिर पूरे शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड को कूपिका में छोड़ने के लिए लाता है। कूपिका में छोड़ने के लिए लाता है। पूर्ण विराम। फिर आगे लिखेंगे इसी में, कूपिका रुधिर वाहिका का कूपिका रुधिर वाहिका का रुधिर वाहिका का रुधिर कूपिका वायु से ऑक्सीजन लेकर रुधिर कूपिका वायु से ऑक्सीजन लेकर शरीर के सभी कोशिकाओं तक पहुंचाता है। शरीर के सभी कोशिकाओं तक पहुंचाता है। पूर्ण विराम। श्वास चक्र के समय, श्वास का मतलब होता है सांस लेना। श्वास चक्र के समय जब वायु अंदर और बाहर होती है, जब वायु अंदर और बाहर होती है, तब फुफ्फुस वायु से ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण कर लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण कर लेते हैं। देखिए, सवाल बोला गया कि हमारे मनुष्य के शरीर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 का कैसे परिवहन होता है। परिवहन का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना। ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है, ये हम लोगों का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपको जानना चाहिए, हम हालांकि इन सभी चीज़ों को पढ़े हुए हैं, कि जब मनुष्य सांस लेता है तो उसकी जो पसलियाँ होती है, छाती पर पाए जाने वाली जो हड्डी होती है, इस तरह के होती है, ठीक है। अब ये क्या करता है, अप होता है, ऊपर उठ जाता है, और जैसे ही ऊपर उठता है तो इसका मतलब क्या हुआ, डायफ्राम, इसके अंदर डायफ्राम जो होता है, आप फिगर बनाए होंगे ना लंग्स का, फेफड़े का, डायफ्राम का, यानी कि पूरा श्वसन क्रिया का आप फिगर बनाए होंगे, तो डायफ्राम लिखा दिखाया हुआ साफ साफ फिगर में, तो आप देख पा रहे होंगे कि वहाँ पे जो डायफ्राम है वो चपटा हो जाता है। कब, जब पसलियाँ ऊपर उठ जाती है। अब रुधिर जो है क्या करता है, पूरे शरीर से यानी कि शरीर के चारों तरफ भाग से कार्बन डाइऑक्साइड को कूपिका में छोड़ता है। क्या होता है, यानी कि जो रुधिर होते हैं पूरे शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर कूपिका में छोड़ देते हैं, और रुधिर वर्ग क्या करता है,
और हमारा जो रुधिर वर्ग होता है, जिसको रुधिर कुपिका भी बोल सकते हैं, वह वायु से ऑक्सीजन को लेकर पूरे, देखिए दो प्रोसेस होता है, यानी कि आप समझो कुपिका जो है हम लोगों का वो मेन इंजन है, यही से ऑक्सीजन का सप्लाई भी आता है और खराब मटेरियल जिसको CO2 कहते हैं वो भी आता है। यानी कि हमारे कुपिका से ऑक्सीजन का संवहन होता है, यानी कि पूरे शरीर को भेजा जाता है और उससे अवांछनीय पदार्थ, जैसे कि इसको हम लोग खराब पदार्थ बोल सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वो भी वापस कुपिका में भी आता है। और जब हम लोग श्वास छोड़ते हैं तो इससे छोड़ने के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड बाहर हो जाता है, और जब हम लेते हैं, यानी कि इसको श्वसन चक्र कहते हैं, तो ये श्वसन चक्र के समय क्या होता है, वायु से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषण कर लेते हैं। इस प्रकार मनुष्य में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, परिवहन होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, चौथा नंबर, फोर नंबर क्वेश्चन पहले लिखा जाए देन हम लोग करेंगे। गैसों के विनिमय के लिए, गैसों के विनिमय के लिए मानव फुफ्फुस में, मानव फुफ्फुस में मैं नहीं सॉरी के मानव फुफ्फुस के लिखिएगा, के अधिकतम क्षेत्रफल को, अधिकतम क्षेत्रफल को कैसे अभिकल्पित किया जाता है, कैसे अभिकल्पित किया जाता है। देखिए आपको हम बताए होंगे कि फुफ्फुस का इतना क्षेत्रफल होता है कि आप अगर इसको काट कर इसको लंबा फैलाएं तो 80 वर्ग मीटर, यानी कि 80 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल को ढक सकता है, इतना बड़ा ये क्षेत्रफल में पाया जाता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो गैसों के जो विनिमय होता है उसमें मानव का जो फुफ्फुस होता है ना, उसका अधिकतम क्षेत्रफल, यानी कि जो उसका अधिक से अधिक क्षेत्रफल है उसको अभिकल्पित कैसे करता है, यानी अपने क्षेत्रफल को संकुचित, संकुचित का मतलब सिकुड़ना और फैलाना, यह क्रिया जो है फुफ्फुस कैसे कर पाता है, तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे, आंसर क्वेश्चन नंबर फोर का उत्तर लिखा जाए। हम जानते हैं कि फुफ्फुस के अंदर, हम जानते हैं कि फुफ्फुस के अंदर अनेक छोटी छोटी नलिकाएं होती है, फुफ्फुस के अंदर अनेक छोटी छोटी नलिकाएं होती है जो अंत में गुब्बारे जैसी रचना, करती है, गुब्बारे जैसी रचना करती है। यह कुपिका अधिकतम क्षेत्रफल बनाती है, जो लगभग, अस्सी वर्ग मीटर क्षेत्र को ढक लेती है, जो लगभग 80 वर्ग मीटर क्षेत्र को ढक लेते हैं, पूर्ण विराम, विनिमय के लिए, पहले लिखते चलिए सब बात बताएंगे हम, विनिमय के लिए उपयोग
विस्तृत सतह उपलब्ध होना चाहिए। विस्तृत सतह उपलब्ध होना चाहिए जो हमारे शरीर के लिए, जो हमारे शरीर के, ऐसे लिखेगा, जो हमारे शरीर के विसरण दाब के लिए, विसरण दाब के लिए अति आवश्यक होता है। अति आवश्यक होता है। चलिए देखा जाए, क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि आखिर जो फुफ्फुस है वो अपना क्षेत्रफल को कैसे अभिकल्पित करता है, उसको क्षेत्रफल उसका कितना होता है, कैसे काम करता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जैसे ही हम श्वास लेते हैं, सांस को अंदर भरते हैं फुफ्फुस में, जब फुफ्फुस में भरते हैं तो हम ये भी जानते हैं फुफ्फुस के बारे में कि इसके अंदर छोटी 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 नलिकाएं होती है, एकदम गुब्बारे की जैसा संरचना बनाती है, ठीक है। और ये जो गुब्बारे जो जैसे संरचना बनती है, इसी को हम लोग कूपिका कहते हैं। अब ये जो गुब्बारे जैसी संरचना बन रही है, जिसको हम लोग कूपिका बोल सकते हैं, और ये जो अधिकतम क्षेत्रफल बनाती है, ये हम लोग पढ़े हैं कि लगभग कितना क्षेत्रफल बनाती है, तो 80 वर्ग मीटर या 80 मीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल को ढक सकती है। अब आपको पता होना चाहिए कि इसका क्षेत्रफल को बढ़ाने से फ़ायदा क्या है। तो जितना ज़्यादा ये क्षेत्रफल होगा, उतना ही ज़्यादा हमारे शरीर में विसरण दाब की क्रिया होगी, यानी कि विसरण दाब की क्रिया को बढ़ाने के लिए हम अपने कूपिका के क्षेत्रफल को बढ़ा लेते हैं। यही कारण है कि कभी का कभी कूपिका यानी कि गुब्बारे फूलता है, कभी संकुचन होता है। तो कब बढ़ाता है? उसको बढ़ाने से विसरण दाब की क्रिया अधिक होने लगती है, जो हमारे शरीर की अति आवश्यक है, हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर विसरण दाब की क्रिया नहीं होगी तो रुधिर वर्ग हमारे पूरे शरीर में नहीं फैलेंगे, और जब तक नहीं फैलेंगे फिर हम जीवित नहीं रह पाएंगे। तो कहने का मेरा मतलब कि जो हमारा क्षेत्रफल अभिकल्पित किया जाता है फुफ्फुस का, उसका क्या कारण है? क्योंकि वह विसरण दाब को बढ़ाने का कार्य करता है। और विसरण दाब बढ़ने का मतलब क्या? विसरण दाब बढ़ने का मतलब कि शरीर में जो रुधिर वर्ग होते हैं अच्छे से हमारे पूरे बॉडी का सप्लाई करेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन किए एनसीईआरटी के। अब हम लोग अगले क्लास में इसके आगे के टॉपिक्स को पढ़ेंगे। हालांकि दो टॉपिक्स को पढ़ा है, मनुष्य में श्वसन कैसे होता है और मनुष्य पोषण कैसे करते हैं, और उससे एनसीईआरटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी किया मैंने। फिर अगले क्लास में इसके आगे की चीज़ों को पढ़ेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।